तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फ्रेशर कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रियलमी स्मार्ट वॉच की। तो ये वीडियो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखेंगे रियलमी वॉच की अनबॉक्सिंग क्या कुछ है, इसके फीचर्स पूरा सेटअप करके बताऊंगा, फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है क्योंकि इसमें फुल डिटेल रहेगी। लार्ज कलर डिस्प्ले आप देख सकते हो, SpO2 आप मेजर कर पाओगे, हार्ट रेटिंग सेंसिंग और 14 स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें मिल जाते हैं और डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग आपकी पूरी रहेगी। आपको ये रियलमी लिंक ऐप से कनेक्ट करना है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके प्राइस पे दोस्तों अगर आप वहाँ पे देख सकते हो तो इसकी प्राइस आपको दिख रही है 6999, पर ये दोस्तों इसकी प्राइस नहीं है। मैं आगे चलते हुए बताऊँगा कि कुछ लोगों को पता भी होगी इसकी प्राइस, तो मैं आगे चलते आपको बता ही दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, फुल डिटेल्ड कैसे करना है सेटअप, क्या कुछ है बॉक्स कंटेंट, सब कुछ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स देख लेंगे। तो टिपिकल स्टाइल का, रियलमी स्टाइल का येलो कलर में बॉक्स आपको मिलता है लॉन्ग, क्योंकि ये एक स्मार्ट वॉच है। देखिए मैंने सील ब्रेक कर लिया है, पूरा सील ब्रेक नहीं किया, ये थोड़ा वन साइड सील ब्रेक किया, अभी बॉक्स को रख दिया मैंने सीधा। चलो ये इसे ओपन करता हूँ, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट लुक दिखाऊंगा इस वॉच का, रिव्यू बताऊंगा कैसी है ये वॉच और कैसे आप इसे कनेक्ट कर पाओगे और क्या कुछ इसके फीचर्स है। तो चलिए बढ़ते हैं वॉच की तरफ। वॉच का फर्स्ट लुक आप देख सकते हो, काफ़ी कमाल की वॉच लग रही है यार दोस्तों मुझे तो। एक और बात आपको बता दूँ, क्लासिक स्ट्रैप वाली वॉच है, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे फैशन स्ट्रैप लेना था पर वो अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने क्लासिक स्ट्रैप लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे कुछ सेंसर्स है, आपको सामने चल के बताऊंगा। बैंड की क्वालिटी दोस्तों रबर प्लास्टिक रबर वाला बैंड है, सारा सिंपल बट काफ़ी अच्छा है यार, मतलब क्वालिटी बेस्ट है। बॉक्स कंटेंट देखेंगे वॉच को रखते साइड में, तो बॉक्स कंटेंट आपको क्या मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बस ये वॉच रखी थी। नीचे आप आते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक चार्जर आएगा USB टाइप ए पोर्ट के साथ, और ये चार्जर कुछ अलग है दोस्तों। हाँ, स्मार्ट वॉच के ऐसे रहते हैं, आप देख सकते हो सर्कल दिया गया है, चार्जर भी आपको सेटअप करके बताऊंगा मैं। USB टाइप ए के साथ चार्जर आएगा, आपको मेन अडेप्टर दूसरे चार्जर फ़ोन का यूज कर सकते हो आप। नीचे ये कुछ ऐसे तरह मैग्नेटिक फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेट से लग जाएगा और ईजीली निकल भी जाएगा। इसकी एक बात यार बुरी लगी है, चार्जर की मैग्नेट जो है ना वो टर्मिनल्स पर दिया है, नीचे के साइड में नहीं दिया है। तो बीच में तो भी चाहिए था मैग्नेट, तो नीचे से थोड़ा कनेक्शन लूज़ होता है, कोई बात नहीं, पर काफ़ी कमाल की यूज़ है। मैंने 2-3 दिन यूज़ कर किया हुआ अभी, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, 2-3 दिन बाद यूज़ करके डाल रहा हूँ। ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड थी, ज्ञान की बातें। तो चलिए सेटअप करते हैं अभी इस वॉच को। साइड लुक आपको दे दूँ, एक पावर बटन है। बॉडी दोस्तों लगेगी आपको मेटालिक क्योंकि शाइनी ऐसा है इस बॉडी का, पर दोस्तों फुल्ली प्लास्टिक बॉडी आएगी। जैसे ही आप बटन करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा, वाइब्रेशन होगा, रियल में आएगा, लैंग्वेज चूज़ कर देना है जो भी लैंग्वेज आप लेना चाहो, मैंने इंग्लिश ले ली है। अगर आपने रियल में लिंक ऐप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया है तो QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर देना, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में रियल में लिंक ऐप को डाउनलोड करने के लिए। तो कुछ ऐसे स्कैन आएगा तो आपको सिंपली ऐप खोल देनी है, आपके रियल मी कनेक्ट पर आ जाना है। अगर आप स्कैन करते हो तो भी कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैन्युअली है ब्लूटूथ कनेक्शन, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, स्कैन करेगा। देखो आप, वो देखिए उसने रिकग्नाइज कर दिया ऐप स्मार्ट वॉच, कनेक्टिंग आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो क्लियरली कनेक्टिंग कुछ ऐसे आ जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये देखो बाइंडिंग आ रहा है, बाइंडिंग सक्सेस, मतलब आपका वॉच सक्सेसफुली पेयर्ड हो गया है रियल मी लिंक ऐप के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटअप करना होगा, आपको डिटेल्स फिल करनी होगी रियल मी ऐप में, तो मैं जल्दी जल्दी सेटअप कर दूंगा और सेटअप करने के बाद आपको पूरी वॉच फिर से दिखाऊंगा। तो सेटअप दोस्तों मैंने कर दिया पूरा सेट, नेम वगैरह जो भी करना था। पहले तो आपको स्टेप पूछेगा, आपका गोल क्या है, एक दिन में कितने स्टेप आपको गोल करना है, मतलब उतने आप करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले अपडेट के लिए बोलेगा दोस्तों, आप राइट टिक करके एग्री कर दो, एग्री करने के बाद यहाँ पे अपडेट आएगा, अपडेट पे सिंपली आपको क्लिक कर देना, क्योंकि वॉच अपडेटेड नहीं रहेगी तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, थोड़ा देर लेगा 100% जैसे ही हो जाता है डाउनलोडेड आएगा। अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो अपग्रेडेशन स्टार्ट होगा, पूरा इसको 100% होने देना है, बीच में कुछ भी बटन मत दबाओ, बस इसे देख सकते हो आप। हैंड पे दोस्तों काफ़ी कमाल की वॉच है यार, मतलब फुल्ली कंफर्टेबल है, कमाल की वॉच दोस्तों, मेरे हिसाब से तो कमाल की वॉच है। और मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये वॉच बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट है, तो अगर स्मार्ट वॉच के लिए जा रहे हो एक कम बजट में तो ये वॉच कमाल की है।
बेस्ट प्राइस में मिलेगी 3999 ओनली। अपडेट सक्सेसफुल। तो यहाँ पे वेदर नहीं दिखा रहा था दोस्तों अपडेट के पहले, तो अभी वो दिखा देगा, तो एक बार हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये देख सकते हो आप, वेदर यहाँ पे आ चुका है ऊपर, देखिए वेदर वहाँ पे आ चुका। आप क्लिक करोगे तो नहीं आ गया, यहाँ पे देखिए साइड में रहेगा, यहाँ पे सिटी का नाम आ जाएगा। सिंपली ऐप को ऐप में लोकेशन ऑन कर देना है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर देगा और वहाँ पे सिटी का नाम आ जाएगा आपका। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी वहाँ सब कुछ। बैटरी 56% है। ब्राइटनेस लेवल दोस्तों 3 बटन्स मिलेंगे, पहले सिंपल रहेगा, एक बार क्लिक करोगे तो थोड़ा बढ़ेगा और एक बार क्लिक करोगे तो मैक्स लेवल उसकी हो जाएगी। पावर सेविंग मोड भी दिया है, जब आप वॉच यूज़ में नहीं रख रहे हो उसको पावर सेविंग मोड पे डाल दो। और कुछ यहाँ पे वर्कआउट्स में 14 स्पोर्ट्स मोड है, बैडमिंटन भी आएगा, क्रिकेट भी आएगा, योगा भी आएगा, सब कुछ 14 स्पोर्ट्स मोड। कमाल की वॉच है यार। हार्ट रेट सेंसर, SPO2, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, देखिए म्यूजिक आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑन करोगे दोस्तों म्यूजिक नहीं बजेगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। पहले आपके स्मार्टफोन में जाओ, उसमें एक म्यूजिक लगा लो और फिर यहाँ से आप कंट्रोल करो, बाद में पर आपको कभी भी आप वॉच से कंट्रोल कर पाओगे। चार्जर लोग तो दोस्तों देख सकते हो, ये देखिए चार्जिंग ऐसे आ जाता है, 58% चार्जिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। कुछ ऐसे सर्कल में बैठ जाता है चार्जर, पीछे वॉच को थोड़ा सर्कल शेप था अगर आपने क्लियरली देखा होगा तो वॉच कम्प्लीटली उसमें फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, 58% चार्जिंग आप क्लियरली देख सकते हो, 59 हो गई। तो मिलेंगे दोस्तों 100 चार्जिंग हो चुकी है यहाँ पे। 100 चार्जिंग के बाद आप फेसेस चेंज कर सकते हो आपके ऐप से। अभी तो कुछ कम फेसेस है पर जैसे ये बढ़ते जाएंगे और कुछ 100 फेसेस इसमें आ जाएंगे। वॉच में आपको ये दिखा दूँ, कुछ सेटअप करना पड़ता है आपको। आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली तो यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन आएगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है ऐप में। और मैं भी आपको फ़ोन दिखाऊंगा, अभी मेरा फ़ोन कहाँ पे घूम तो नहीं हुआ है, यहाँ पे ही नीचे रखता हूँ, यहाँ पे आ जाना आपको। इसमें एक और ये फीचर मिलेगा, तो यहाँ से आपको दिखा नीचे आ जाना है, फाइंड माई फ़ोन यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट कर दो दोस्तों और सिंपली ये देखो भाई साहब, ये देखिए वहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन, रियलमी वॉच इज फाइंडिंग योर फ़ोन। तो ये ओके कर देना है, आपको फ़ोन आपका मिल जाएगा। रिंग बजेगी, आपने साउंड तो सुना ही होगा। ये हार्ट रेट सेंसिंग दोस्तों, लाइट ब्लिंक करेगी, आप मेजर भी नहीं कर रहे हो तभी भी ब्लिंक करेंगी। अभी ये मैंने मेजरिंग किया है, देखो पिंक लाइट आ रही है SPO2 मॉनिटराइजिंग में, रेड लाइट भी वहाँ पे आती है। अभी मेजर कर रहा हूँ, रियल टाइम हार्ट ट्रैकिंग है इसलिए ग्रीन लाइट, जैसे आप इसको हाथ पे पहनोगे तभी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी लाइट ऑल टाइम ऑन रहेगी, वो ग्रीन वाली बंद होती है मतलब, पर जैसे आप पहनोगे तभी स्टार्ट कर देगा क्योंकि रियल टाइम हार्ट ट्रैकिंग है। अभी तो मेजरिंग हो रहा है तो आप देख ही सकते हो कि वॉच का लाइट ऑन ही होगा, नीचे तो आप नहीं देख पाओगे पर वो ऑन ही रहेगा। ये देख सकते हो आप मेजरिंग, अभी SPO2 मेजर कर रहा हूँ मैं, ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल का रहता है। मुझे इस अभी मेडिकल कुछ नॉलेज तो नहीं है पर आपको बता दूँ यहाँ पे तो 98% आ रहा है, अच्छा ही है दोस्तों, सभी का 95 के तो ऊपर ज़रूर आएगा, 97-98। कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, ये भी फीचर अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बता दूँ मैं, कैमरा आप वर्क कर पाओगे। अभी मैं एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टैंड पे नहीं लगाया तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रख दिया है मैंने, कैमरा ऑन है दोस्तों, क्लिक वॉच पे कर रहा हूँ यार, उधर फोटो निकल गई है। अगर आपको कंफर्म करना है फोटो निकले या नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फोटोज़ में, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो। दोस्तों एक स्मार्ट वॉच के लिए जा रहे हो और हेल्थ असिस्टेंट भी उसमें है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टू बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब फॉर मोर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वंदे मातरम।